बाद संध्या और सूरज के जिंदगी में ये पल लौट कर आए हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच बस उनका प्यार है। तभी तो देखिए किस तरह आज सूरज अपनी संध्या पर अपने प्यार की बारिश कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद एक ऐसा सीन किया जिसने हमें वो मतलब वेद से पहले की जो हमारी रोमांटिक केमिस्ट्री थी उसकी याद दिला दी। कुछ पलों के लिए सूरज और संध्या एक दूसरे की आंखों में क्या खोए, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी और ये दस्तक किसी और की नहीं बल्कि लालिमा की थी, जो यहाँ कबाब में हड्डी बनने का काम कर रही थी। लालिमा आजकल हम दोनों के दिलो दिमाग में छाई हुई है, तो उनका आना जाना घर में, क्योंकि भाभों ने उनको अनुमति दी है तो वो कहीं भी आ सकती हैं जा सकती हैं। तो जैसे ही हम रोमांस कर रहे थे तो पीछे से दरवाज़ा नॉक होता है, देखा कि लालिमा। बट जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके प्यार में इतना खो जाते हो कि आपको वो चीज़ अपनी ही लगने लग जाती है। लगता है लालिमा की ये चालाकियाँ अब संध्या को समझ में आने लगी है। तभी तो देखिए किस तरह संध्या ने लालिमा से उसका दवाइयाँ देने का बहाना भी छीन लिया। अब संध्या ने खुद सूरज को दवाइयाँ देने की जिम्मेदारियाँ उठा ली हैं। इसीलिए बहुत बुरा लगा मुझे जब संध्या ने ऐसे बोला कि दवाई मैं ही दे दिया करूँगी, तो मुझे था कि शायद एक लास्ट चांस जो था, एक छोटी सी जो उम्मीद थी जिसके कारण मैं सूरज जी से मिल सकती थी, वो भी आज चले गई है, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, बट प्यार किया है तो कोई ना कोई और तरीका जरूर निकालेगी लालिमा। लालिमा आप चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन इस दियाबाती को अलग करना नामुमकिन है। आप और भाभू चाहे या ना चाहे, सूरज और संध्या तो एक होकर ही रहेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।